Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Main Fatma aapko apne Noshahi kitchen mein karti hu welcome. To aaj mere kitchen mein ban rahe hain chicken hara masala stuffed paratha. जिसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसको नोट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहले मेरे पास ये 4 कप मैदा है और इसमें 4 चम्मच ही आटे के हैं। मसालों में मेरे पास है हरी प्याज का 1 पूरा बंच, इसी तरह मेथी का यानी 1 मेथी का बंच ले रहे हैं, उसका चौथाई हिस्सा है मेरे पास। ये 3 अदद हरी मिर्चें हैं बड़ी वाली, ये इतनी तीखी नहीं होती। ये पालक है, 6-7 पत्ते में पालक इस्तेमाल करूँगी। इसी तरह हरा धनिया का 1/2 बंच यूज़ करूँगी। ये ऑयल है 1 कप। ये मेरे पास बोनलेस चिकन है जिसको हम चॉपर में डालकर पीस लेंगे। 1 डली प्याज है, हरे प्याज के ऊपर वाला हिस्सा, और अदरक, इन सब चीज़ों को भी हम चॉपर में डालकर पीस लेंगे। और मसालों में मेरे पास है नमक हसबे ज़रूरत, सूखा धनिया 2 चम्मच, 1 चम्मच मेरे पास चाट मसाला है, 1/2 टीस्पून मेरे पास हल्दी पाउडर है, 1 टीस्पून मेरे पास गर्म मसाला पाउडर है, और ये 1 चम्मच साबुत धनिया, 7 लाल मिर्ची राउंड वाली, और 1 चम्मच जीरे का, इन सबको मोटा मोटा कूट लिया। इसी तरह ये 1 चम्मच साबुत जीरा और 1/2 टीस्पून मेरे पास अजवाइन है, लाल मिर्च पाउडर जो है वो 1 चम्मच है। तो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत के साथ अपनी रेसिपी। तो सबसे पहले हम आटा गूंदेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत के साथ हम गूंदेंगे सबसे पहले अपना आटा, और इस पर मैं सिर्फ 1 टेबल स्पून ऑयल का यूज़ करूँगी। मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आम रोटी की तरह हम इसका आटा गूंदेंगे। आप देख सकते हैं आटा हमारा रेडी होने वाला। बस आटे को गूंद के हम इसको 15 मिनट की रेस्ट देंगे। उसके बाद हम अपने दूसरे स्पाइसेस रेडी करेंगे, चिकन रेडी करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो आटा हमारा गूंद चुका। तो एक बाउल लेंगे, उसको हल्का सा ग्रीस करेंगे ऑयल के साथ। जो आटा हमने गूंदा है उसको एक दफ़ा फिर थोड़ा सा, क्योंकि ये मैदा है तो थोड़ा सा टाइम लेता है ये। आटा हमारा रेडी हो गया, हम इसको में रखेंगे और इसे 15 मिनट की रेस्ट देंगे। उतनी देर में अपना बाकी का मसाला जो है वो रेडी करेंगे। हमारा गूंद गया, अब इसको प्लास्टिक के साथ मैं रैप करूंगी और इसे 10-15 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो अब हम अपना हरा मसाला जिसमें हरा धनिया, पालक और मेथी है उसको काटेंगे, और साथ ही हरी प्याज और हरी मिर्चें। चॉपर में हम इसको नहीं पीसेंगे क्योंकि ज़्यादा पीसने से पालक जो है वो पानी जो अपना रिलीज़ कर देगी, तो जिसकी वजह से हम इसको इसी तरह हाथ से ही, हरी प्याज और हरी मिर्चों को हम चॉपर में कर लेंगे। कर लेंगे ऑलमोस्ट, ये जो है मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो चला। दैट्स एनफ, बस इतना ही इसको करेंगे। मैंने जो आपको अनियन दिखाए थे वो हम अपने चॉपर में डालेंगे। इसके साथ हरी प्याज का जो हिस्सा था वो भी डालेंगे, जिंजर उसको भी स्लाइस करके डालेंगे, इसी के साथ ये जो हरी मिर्चें भी डालेंगे। बस बाकी
लौकी को मैं से काटूंगी, इसको हम चॉपर में पीस के फिर आपको दिखाएंगे। हरी मिर्ची, जिंजर और ग्रीन अनियन का पेस्ट जो है वो रेडी हो चुका, हमने इसको चॉप कर लिया। अब हम अपनी चिकन को चॉप करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत के साथ हम डालेंगे ऑयल, ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस इतना कि हमारा मसाला भून सके। जैसे ही हमारा थोड़ा सा गर्म होगा, साथ ही इसमें अपनी चिकन डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऑयल गर्म हो चुका, चिकन डालेंगे। मेरी चिकन चिकन बदलेगी तो इसमें हम सबसे पहले अपना प्याज, हरी मिर्ची, जिंजर और जो हरी प्याज का पेस्ट है क्या वो डालेंगे। आप चाहें चिकन का मिक्स भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास बोनलेस था, मैंने बोनलेस यूज किए। ऑयल हम इसमें ज़्यादा नहीं डालेंगे कि हमने इसकी फिलिंग करी। चिकन आप जैसे देख सकते हैं कि हमारे चिकन ने अपनी शक्ल चेंज कर ली। अब इसमें मैं अपना प्याज का जो है वो डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत के साथ देख सकते हैं चिकन हमारी जो है इसकी शक्ल काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुकी। जैसे ही प्याज का पानी खुश्क होगा हम इसके दूसरे मसाले ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत के साथ आप देख सकते हैं कि चिकन का पानी जो है खुश्क हो चुका। अब हम इसके साथ तमाम मसाले डालेंगे और इसी स्टेज पर हम इसमें नमक, मिर्ची और बाकी चीज़ें टेस्ट करेंगे। मैंने इसमें ज़रा सा सिट्रिक एसिड भी यूज़ किया है, सॉरी मैं आपके साथ शेयर करना भूल गई। हम इसमें इसकी फिलिंग के अंदर कोई बेसन या कोई ऐसी चीज़ यूज़ नहीं करेंगे। मसाले डाल के हम चिकन को अच्छे से भूनेंगे। फिर ड्रॉप्स को पानी के डालूंगी इसके अंदर ताकि मसाला जो है वो गले नहीं। हम इसको अच्छे से भूनेंगे, 20-10 मिनट हमें इसको भूनना है। अनियन हमारे कैरमलाइज होते जा रहे हैं डिश में, हर चीज मिक्सअप हो जाएगी अच्छे से। पाँच मिनट हमने इसको तेज आंच पर भून लिया, बाकी के 5 मिनट जो हम इसको मीडियम लो फ्लेम पे रखेंगे कवर करके, फिर उसके बाद हम इसमें अपना हरा मसाला डालेंगे। तो जी चिकन हमारी रेडी हो चुकी, अब इस स्टेज पे हम इसमें हरा मसाला डालेंगे। चिकन हमारी रेडी हो चुकी तो हरा मसाला अपना ऐड करेंगे। एक दो मिनट इसको घुमाएंगे इसमें और फिर चूल्हा बंद करेंगे। आग जो है तेज करेंगे। और ये रेडी हो चुका, इसे ठंडा करेंगे, पराठे बनाएंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। जितनी देर में हमारी फीलिंग ठंडी हो रही है उतनी देर में मैं आटे के पेड़े बनाऊंगी। हम अपने पेड़ों से रोटी बेलेंगे।
पतली पतली सी रोटियां बेलेंगे हम इसकी। पतली पतली सी इसकी रोटियां बेलेंगे, फिर इसमें फिलिंग करेंगे। रहीम तो इसमें अपनी फिलिंग डालेंगे। अच्छे से भर के इसमें फिलिंग डालेंगे। पराठे जो है वो खाली अच्छे नहीं लगते। स्टफिंग इसकी इंशाल्लाह बाहर नहीं निकलेगी। अगर कहीं भी आपको लगे कि स्टफिंग थोड़ी सी वाटरी हो रही है तो आप इसके अंदर कॉर्नफ्लोर अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कोई सी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो ये पराठा हमने अपना तवे पे डाल दिया, दोनों तरफ से अच्छी तरह इसको सेकेंगे। एक तरफ से ये सिक चुका, आप दूसरी तरफ से इसको सेकेंगे, फिर हम इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे। हम अच्छे से क्रिस्पी करेंगे। तो पराठा हमारा सिक चुका, देखिए माशाल्लाह से कितना क्रिस्पी पराठा है। अब हम उसको डिश आउट करेंगे तो फिर हम आपको दिखाते हैं। अल्लाह रहमान रहीम की बरकत के साथ हमारे हरी स्टफिंग वाले पराठे रेडी है। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि कितने क्रिस्पी है। स्टफिंग भी माशाल्लाह से इसकी भरपूर अंदाज में हुई है, कोई स्टफिंग बाहर नहीं है। बहुत ज़्यादा गर्म है, ये देखिए, ये है हमारे पराठे का इनसाइड लुक और ये आउटसाइड। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ हमारे पराठे डिश आउट हो चुके, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे आपके साथ अगली रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।